अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब के लिए एक गुड न्यूज़, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से न्यू एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है, जहां पे आपको गवर्नमेंट टीचिंग वैकेंसीज मिलने वाली है। गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स आ चुकी है। अगर आप इन पोस्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप लोगों के पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आप लोगों के पास आप लोग कैसे अप्लाई करोगे इन पोस्टर्स के लिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझाने वाला हूँ कि आप लोग इन पोस्टर्स के लिए कैसे अप्लाई करोगे। 700 प्लस टीचिंग वैकेंसीज, गवर्नमेंट टीचिंग वैकेंसीज, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को आप जरूर रखना, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करना, और उसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम पेज जो है उसको ज्वाइन जरूर करना। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ये नोटिफिकेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से न्यू एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, जिसमें आपको क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर फॉर टीचिंग सपोर्ट के लिए ये वैकेंसी मिलने वाली है। क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर की वैकेंसीज है टीचिंग सपोर्ट के लिए, यानी कि एकेडमिक सेशन 2024-2025। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इन वेरियस गवर्नमेंट हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ कश्मीर डिवीजन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो यहाँ पे इन्होंने डिटेल में समझाया है, इसमें आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, 50% मार्क्स होना चाहिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप लोग जो है एलिजिबल हो। ये वैकेंसीज आपको टेम्प्ररी बेस पे मिल जाएगी, यानी कि 31 मार्च 2025, एक साल के लिए आपको ये वैकेंसीज मिलने वाली है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल जो है 1748 वैकेंसीज़ है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये वैकेंसीज़ है, यानी कि अलग अलग जो सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स वाइज भी ये वैकेंसीज़ आपको मिलने वाली है। अनंतनाग, बारामूला, बांडीपुरा, बडगाम, गांधरबल, कुलगाम, कुपवारा, पुलवामा, शुपेन एंड श्रीनगर। या बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, EVS, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कश्मीरी, मैथ, फिज़िक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, उर्दू, जुआलॉजी, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। टोटल वैकेंसी 748 वैकेंसीज़ हैं, तो ये आप देख सकते हो। इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करूँगा, ये नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो है इसके लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना, आपको एकेडमिक बेस के जो आपको, तो आपकी जो सिलेक्शन हो जाएगी वो मेरिट बेस पे हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस दिया है, यानी कि PG अगर आपने किया है तो आपको 85 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर आपने नेट या सेट किया है आपको 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, MPhil के लिए आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, PhD अगर आप लोगों ने किया है तो 8 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, और पब्लिकेशन अगर आपने कोई भी पब्लिकेशन किया आपको 4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि मैक्सिमम जो है 100 पॉइंट्स आपको यहाँ पर दी जाएगी। अब अगर हम बात करें इसके और डिटेल में समझाने वाले हैं, तो इसके लिए आपको पर मंथ सैलरी मिलने वाली है 25,000 आपको पर मंथ सैलरी भी मिलने वाली है। तो इसके लिए आपको 40 ईयर एज लिमिट जो है 40 ईयर रखी गई है। और आपको कैसे अप्लाई करना है, अगर हम बात करें डाउनलोड आप डॉक्यूमेंट्स, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हो साथ होने चाहिए जो आप ऑनलाइन अपलोड करोगे, डोमिसाइल होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए, PG फाइनल मार्क्स कार्ड होना चाहिए, MPhil मार्क्स कार्ड, PhD सर्टिफिकेट होनी चाहिए MPhil और PhD की, नेट सेट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, कन्वर्सेशन यानी कि सर्टिफिकेट फ्रॉम ये जो यहाँ पर ये भी होनी चाहिए आपको साथ, और आपने रिसर्च कुछ भी किया है पेपर्स अप टू 5 तो वो भी आपको साथ रखने, उस टाइम जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे ये डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर अटैच करने उसके साथ। तो आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से पहले द कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द डेडिकेट लिंक जो है www.iddseek.com, ये इनकी ऑफिशियल लिंक है, तो इस पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो एज़ एसेबल या ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, या आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी चेक जो है अप्लाई कर सकते हो, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, या आप इस वेबसाइट से, दोनों में से किसी भी वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है 19 जून से लेकर 30 जून तक आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, याद रखें 19 जून से लेकर 30 जून तक आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई ज़रूर करना, जो जो एलिजिबल है वो अप्लाई ज़रूर करें। तो ये यहाँ पे बाकी जो भी इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है, आप इस नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर रीड आउट करना, जो जो एलिजिबल हैं, जो भी अप्लाई करना चाहता है इन वैकेंसीज के लिए। तो एक गुड न्यूज़ आप सब के लिए, जो भी टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करता है, 748 न्यू गवर्नमेंट टीचिंग वैकेंसीज आ चुकी हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। बाकी मिलते किसी और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।